शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो का नेक पैगाम ये है कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा क्या क्रिमिनो के रेट गिर गए, क्रिमिनो को ये हो गया, क्रिमिनो को वो हो गया। आज के इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा क्रिमिनो के रेट में कमी हुई है, आगे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों जैसा कि आप मान लोग जानते हैं क्रिमिनो का रेस 45,000 रुपये तक इस सीज़न में गया, लेकिन अब इसका रेस 28 से 30,000 रुपये पे आ गया है। इसकी क्या वजह है, क्यों इसका रेट कम हुआ है और अल्बाइनो का रेट क्यों कम नहीं हुआ? दोस्तों सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसकी प्राइस देखिए। दोस्तों क्रिमिनो 45,000 रुपये मतलब 90,000 रुपये का पेयर सेल हो रहा था, फिर अचानक ये 60-55,000 रुपये पे आ गया। इसके अंदर 15 से 20,000 रुपये का, 20 से 25,000 रुपये का इसके अंदर कमी वाकया होगी, जबकि अल्बाइनो 30 का बिक रहा था, अब 27-28 का बिक रहा है। ठीक हो गया दोस्तों, इसकी वजह क्या है, क्यों? क्योंकि अल्बाइनो हर नए आने वाले फैंसियर में से 80% न्यू फैंसियर अल्बाइनो अफोर्ड कर सकता है, क्रिमिनो हर नए आने वाले फैंसियर में से 50% अफोर्ड कर सकता है। ये भी 50% मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्यों? क्रिमिनो का पेयर जहाँ 90,000 रुपये का उसने एक क्रिमिनो का पेयर लेना है, 55-60,000 रुपये का एक क्रिमिनो का पेयर लेना है, उसकी जगह वो अल्बाइनो के दो पेयर लेगा या अल्बाइनो सप्लिट टू सप्लिट के पेयर लेगा, जिससे उसके पास बर्थ ज़्यादा हो, उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, इस वजह से हर नए आने वाले फैंसियर डायरेक्ट क्रिमिनो पे नहीं जाता, वो अल्बाइनो पे जाता है। जिसको भी आप देख लें हर कोई कहेगा दो ग्रीन फिशर के पेयर एक अल्बाइनो का डाल लेता हूँ मैं, तीन ग्रीन फिशर के डाल लेते हैं, दो अल्बाइनो के डाल लेते हैं, फोस्टिंग करेंगे प्रोडक्शन अच्छी लेंगे, लेकिन हर बंदा ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर टू पॉइंट, इसमें रिस्क बड़ा है, क्रिमिनो टू क्रिमिनो पेयरिंग अगर कोई करता है उसके अंदर आपको सीधी बात है आपको जिगरा चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, हौसला है कि आप 90,000 रुपये का जोड़ा लेके लगाएं और उसके उसको ब्रीड कराएं और उसमें से कोई एक मर गया और आप उसका मरना बर्दाश्त नहीं कर सकते, या आपके पास इतना बैकअप नहीं है, तो आप तो फिर रुल गए। ठीक हो गया दोस्तों, तो हर नया बंदा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ चंद एक लोग हैं जो उस बर्ड में इन्वेस्ट करते हैं या जिनके पास अच्छा बैकअप पड़ा हो। तो हर बंदा आता ये नहीं कहेगा यार मैं नया फैंसियर हूँ मैं 10 पेयर क्रिमिनो के लगा लूँ, 2 पेयर क्रिमिनो के लगा लूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है क्रिमिनो के साथ अल्बाइनो लगा दे। ठीक हो गया दोस्तों, नंबर थ्री जो इसका पॉइंट है वो ये है कि क्रिमिनो की प्राइस आपको भी पता है 45 से कितनी कम होगी। अब इसकी प्राइस जो कम हुई है उसका जो एक अहम किरदार ये है कि लोगों ने मुख्तलिफ पेयरिंग से क्रिमिनो हासिल किया। देखें अल्बाइनो आप हासिल कर सकते हैं चंद एक पेयरिंग से, क्रिमिनो आप काफ़ी ज़्यादा पेयरिंग से हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पारबिलू सप्लिटिनो इंटू पारबिलू सप्लिटिनो लगाएं क्रिमिनो आ गया। क्रिमिनो हासिल करने के लिए आपके पास कोई 25 से 30 पेयरिंग है जिससे आप क्रिमिनो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि अल्बाइनो रेड डाई हासिल करने के लिए आपके पास कोई मैक्सिमम मैं बताऊँ तो 10 पेयरिंग है। इसकी वजह से लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग लगाई हैं, जैसे पारबिलू पेस्टल सप्लिटिनो इंटू पारबिलू पेस्टल सप्लिटिनो क्रिमिनो आएगा भाई, पारबिलू सप्लिटिनो इंटू पारबिलू सप्लिटिनो क्रिमिनो आएगा। ठीक हो गया दोस्तों, चले इसी की मिसाल अगर हम ले, 2 पेयर ये पारबिलू पेस्टल और सिंपल पारबिलू, उधर से आपके पास ब्लू फिशी सप्लिटिनो, ठीक हो गया दोस्तों, अल्बाइनो सप्लिट टू सप्लिट या ब्लू पेस्टल, ठीक हो गया। उसके बाद और भी मुख्तलिफ किस्म के बर्ड हैं जिससे आप क्रिमिनो हासिल कर सकते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा पेयरिंग्स है, यूट्यूब पे इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रिमिनो प्रोड्यूस करने की कितनी पेयरिंग्स है और सारी पेयरिंग्स के बारे में हमें बताया जाए तो उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जहाँ तक ये बात रही कि आगे हमें क्रिमिनो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, देखिए मेरा आपको मशवरा है कि आप क्रिमिनो के बजाय अल्बाइनो में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में क्रिमिनो से भी ज़्यादा डिमांड है। बाकी जो लोग आपको ये कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, असल में आप देखा करें जो शख्स आपको कहता है नहीं यार इसको कुछ नहीं हुआ 10-15 हज़ार कीमतें गिरी, आप देखा करें कि उसके पास बर्ड कौन सा लगा है। हर कोई अपना मंजन फरोश होता है और हर कोई अपनी चीज़ बेचने को प्रेफर करता है, जो उसके पास लगा होगा वो वही बेचने की कोशिश करेगा। जिस तरह इसकी एक छोटी सी मिसाल यूँ समझिए, जिस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रीडर्स जो हैं उनके पास लगा हुआ ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं ऑफलाइन अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन जी लो, ऑफलाइन लो ऑफलाइन, उनसे तो हमने ले लेना, हमसे आगे किसने लेना, बात समझ रहे हैं आप? तो जिसके पास जो चीज़ लगी है वो वही कहता है कि भाई मेरी चीज़ ठीक है बाकी सब कुछ गलत है, आप मेरी चीज़ लगाओ इसी से पैसा कमाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सीधी साफ बात थी मैंने आपसे शेयर कर दी है, बाकी अगर आपके पास अच्छा बैकअप है अच्छे पैसे हैं तो आप क्रिमिनो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।